10 दिन का समर ब्रेक जो है वो कश्मीर कॉलेजेस को होगा, और जो कॉलेजेस जो जम्मू के विंटर जोन के अंडर आते हैं उन्हें 10 दिन का जो समर ब्रेक है वो होने वाला है। और जहां पर अगर बात की जाए, जम्मू और कश्मीर की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि समर वेकेशन जो है वो जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उन्हें 10 दिन की समर वेकेशंस जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं। और ये समर वेकेशंस सभी डिग्री कॉलेजेस के लिए अनाउंस की गई हैं, और जितने भी डिग्री कॉलेजेस जो कि कश्मीर डिवीजन में आते हैं यानी कि कश्मीर डिवीजन में फॉल करते हैं, उन सभी जो कश्मीर डिवीजन में जो कॉलेजेस हैं उन्हें समर ब्रेक जो है वो होने वाला है। और उसके अलावा जो विंटर जून जो कश्मीर डिवीजन में जितने भी कॉलेजेस फॉल करते हैं उन्हें भी जो समर ब्रेक है वो होगा। और समर ब्रेक जो है 15 जुलाई से होगा। और जहां पर अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं कश्मीर डिवीजन के और जम्मू जोन जो जम्मू डिवीजन में जो विंटर जोन आता है जितने भी कॉलेजेस वहां पर फॉल करते हैं उन सभी कॉलेजेस को अब समर वेकेशंस अनाउंस कर दी गई हैं। और ये समर वेकेशंस जो है 15 जुलाई से अनाउंस कर दी गई हैं और ये 24 जुलाई तक ये वेकेशंस जो है वो रहने वाली है, यानी कि 15 से लेके 24 तक जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं वहां पर जो जो समर ब्रेक है वो अनाउंस कर दिया गया है। और लेकिन ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये साफ तौर पर ये चीज कही गई है कि जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं जो कि कश्मीर डिवीजन में आते हैं वहां पर ये 10 दिन का समर ब्रेक है वो होगा। और विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं वहां पर भी ये समर ब्रेक देखने को मिलेगा। 15 जुलाई से ये समर ब्रेक स्टार्ट होगा और 24 जुलाई तक ये समर ब्रेक रहेगा, यानी कि 10 दिन का जो समर ब्रेक है वो अनाउंस कर दिया गया है जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उनके लिए।